और ये देखिए दोस्तों, पपीता अच्छी तरह से लाल हो गया, तो चलिए टमाटर को देखते हैं। चलिए टमाटर भी साथ में अच्छी तरह से भुजा जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो ब्लॉग्स में। और शाम का टाइम 4 बज गया है दोस्तों, और मेरे ओर से आप सभी को नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के ब्लॉग में हम लोग बनाएंगे रेसिपी, तो कच्चा पपीता से हम लोग सब्जी बनाएंगे। तो चलते हैं बारी तरफ और लगड़ ले लीजिए। तो लगड़ से तोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ऊंचा में है। और इधर का देखिए इस प्रकार से भी, और करेली देखिए अभी नहीं फल रहा है, फूल लगा है, डूब लगा है। इसमें झांक वगैरह देना है, हवा नहीं लग रहा है इसीलिए नहीं फल पा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं पपीता पेड़ के पास सीधा दोस्तों, और चलिए आप सभी को बाहर का व्यू दिखाते हैं। देखिए प्रकार से इधर आलू वगैरह सभी खेत में लगा हुआ है, और इधर देखिए केले के पेड़। चलिए फाइनली हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों पपीता के पास, और लगड़ ले लिए है ना जी। और ये देखिए यहाँ से चढ़ना है, पहले चढ़ लेते हैं। और गीता जी देखिए उधर से आ रही हैं, और देखिए अमरूद वगैरह फल लगा हुआ है, तो अमरूद का भी रेसिपी बनाएंगे। तो आपसे भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और फाइनली दोस्तों देखिए पपीता के पेड़ के पास आ गए, तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो दीजिए जी, लगड़ दीजिए, ज़्यादा लंबा लंबा नहीं है दोस्तों, बोलका वाला है। देखते हैं कौन टूटता है। चलिए एक ही पीस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग छोटा फैमिली है इसलिए एक पीस में हो जाएगा। और तो चलिए इसको लेके चलते हैं हम घर। देखिए क्योंकि इसमें दूध निकलता है दोस्तों, एकदम गाय के दूध की तरह निकलता है, एकदम पूरा सफेद सफेद दूध। अब ताजा फल है, ताजा है, और इसको खाने से बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि कच्चा पपीता खाने से शरीर में बहुत ही विटामिन मिलता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं दोस्तों घर हम लोग। तो चलिए, हाँ देखिए गीता जी कुआं पे चल रही है, एकदम डर नहीं लगता है का जी? और इधर देखिए अमरूद का पेड़, अभी एक दो साल में फल देने लगेगा, और ये इधर वाला फल लगा हुआ है। और देखिए बाहर का व्यू, देखिए सूर्य अस्त होने वाले हैं अभी, एक डेढ़ घंटे के बाद डूबेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अब घर दोस्तों। और गीता जी देखिए लगड़ वगैरह ले लिए हैं, और देखिए इधर का भी। तो चलिए फाइनली पपीता तोड़ के घर लेके आ गए। चलिए इसे पहले धो लीजिए, क्योंकि दूध दूध लगा हुआ है, चलिए इसको धोना जरूरी है, क्योंकि दूध से पूरा एकदम लथलथ करता है। तो इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं, इसके बाद इसको छीलेंगे दोस्तों। तो गीता जी धो रहे हैं, और इधर देखिए पिज्जा बच्चा सब चर रहा है। तो चलिए पपीता को धो लिए, और इसे छील लेते हैं अच्छी तरह से। छीलिए जी, चाकू नहीं है, चाकू से अच्छा नहीं लगता। देखिए गीता जी छील ले रहे हैं, फटाफट छीलिए। देखिए कितना ही मस्त एकदम छिलका निकल रहा है, ताज़ा है इसलिए। और कच्चा पपीता ताज़ा भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद होता है, भरपूर विटामिन पाया जाता है कच्चे पपीता में। गाय के दूध जैसे पीते हैं उस तरह फायदा ये भी करता है। तो चलिए सभी पपीता को अच्छी तरह से छील लेते हैं, गीता जी छील रहे हैं। चलिए पपीता को गीता जी अच्छी तरह से छील लिए, और चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जी, और देखिए इसमें बीज भी है, तो बीज निकाल लीजिए। तो ये देखिए सभी बीज को निकाल लिए, क्योंकि बीज से अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए सभी पपीता को कटिंग कर लेते हैं, छोटा छोटा बारीक बारीक पीस, छोटा छोटा बनाइए, जल्दी बनेगा। और ये देखिए इस प्रकार से,
गीता जी कटिंग कर ले रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से सभी पपीता को काट लेते हैं अच्छी तरह से। ये फाइनली पपीता रख के एकदम, ये टेम्पररी चूल्हा है, जब मर्जी बनाइए और हटा दीजिए। आज हम लोग आंगन में सब्जी बनाएंगे। और इधर देखिए गीता जी आधा पपीता को कटिंग कर लिए हैं, सारा काट लिए गीता जी। और चलिए पानी से पहले धो ले रही हैं अच्छी तरह से, धोइए एकदम रगड़ रगड़ के धोइए, क्योंकि इसमें दूध रहता है, लसलस रहता है, इसलिए अच्छी तरह से धोने के बाद ही टेस्ट लगेगा। तो चलिए निकाल लीजिए थाली में फटाक से। और ये देखिए दोस्तों थाली में गीता जी निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए फाइनली पपीता को धो लिए अच्छी तरह से। तीन तीन छः ईंटा लगाया है और तीन खपड़ा लगाया है, और इससे उसकुल वगैरह नहीं देना पड़ेगा। चलिए गीता जी आग धराइए फटाक से, और हम देख लेते हैं कढ़ाई बैठेगा कि नहीं। तो एकदम परफेक्ट आ गया, और देखिए इधर से सांस निकलेगा, इधर से भी, इधर से भी, और इधर इधर देखिए नया मेहमान का आए हुए, तीन दिन हो गया, देखिए चल रही सब, सभी अपने माँ बच्चे प्यारे होते देखिए। तो चलिए फाइनली इधर गीता जी आग को जला दिए हैं, और काठे वगैरह से भी बोझ ले रहे हैं। अभी निकाल लिए हैं दो तीन पीस मिर्चा है, लहसुन है, जीरा है, हल्दी है, गोलकी और तोड़ी इधर। तो जाइए गीता जी देखिए मसाला पीसने के लिए चले गए, और इधर टमाटर मिर्चा सभी को ले लिए हैं, कटिंग कर लिए टमाटर मिर्चा। इधर मसाला फाइनली पीस लिए, और उधर आग वगैरह एकदम अच्छी तरह से धर लिया, और कढ़ाई भी दे दिए हैं, गर्म हो रहा है क्योंकि नया चूल्हा है, इसीलिए टाइम लग रहा है दोस्तों। गीता जी देखिए फाइनली थाली मस्त। तो चलिए हम कलछुल लेकर आते हैं। तो झंझरा है कलछुल नहीं, झंझरा ही ले लिए। देखिए दोस्तों कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गया, और उधर देखिए गीता जी मसाला पीस के लेके आ गए। चलिए कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें तेल डालते हैं, ज़्यादा तेल नहीं देना है, कम तेल में बनाइएगा तो भी टेस्ट लगता है, क्योंकि हरा सब्जी में तेल कम ही डाला जाता है, तभी विटामिन का फायदा करेगा। और देखिए फाइनली तेल गर्म हो गया। तो चलिए मैं पीस मिर्चा है, और ये रहा प्याज, चलिए तड़का को अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। इस तरह से प्याज लाल हो गया, तो चलिए अब पपीता को देखते हैं। तो चलिए हल्का सा नमक दे देते हैं, ये रहा नमक, चलाइए इसको अच्छी तरह से, उसे थाली वाला डाल दीजिए, और बहुत ही मस्त लगता है दोस्तों पपीता की सब्जी, एकदम मस्त लगता है और फायदेमंद भी है। चलिए इसे अच्छी तरह से चला कर ढक्कन दे देते हैं, थोड़ा भाप लगेगा तो जल्दी हो। तो चलिए ढक्कन फाइनली दे दिए, अच्छी तरह से लाल हो गया। तो चलिए टमाटर को देखते हैं, तो चलिए टमाटर भी साथ में अच्छी तरह से भुंजा जाएगा। और ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से टमाटर और पपीता को अच्छी तरह से एकदम भूंज लिए लाल करके। और चलिए अब मसाला गीता जी छोड़ दे रहे हैं, देख लीजिए गीता जी की चेहरा थोड़ा सा। और चलिए फाइनली भूंज लेते हैं अच्छी तरह से, देखिए कितना ही मस्त एकदम भुंजा रहा है। और मसाला वगैरह सब भी अच्छी तरह से भुंजा गया मस्त। तो चलिए अब थोड़ा सा पानी देते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि ग्रेवी जितना आपको चाहिए उतना अकॉर्डिंग पानी आप दे सकते हैं। देखिए इतना पानी दे दिए सीरा के लिए, और अगर रोटी में खाना है तो सूखा आप सभी बना सकते हैं, तो भात में खाना रहेगा तो भी ग्रेवी बनाइएगा। और चलिए अब अच्छी तरह से ढक्कन लगा देते हैं, तो इसको 5 से 10 मिनट उबाल लगवाएंगे, तभी अच्छी तरह से एकदम मस्त पकेगा सब्जी। और ये देखिए दोस्तों पपीता की सब्जी मेरा मस्त एकदम फाइनली बन गया। तो चलिए उतार लेते हैं चूल्हे से नीचे, उतारिए जी।
तो चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं और आप सभी को टेस्ट करके बताएंगे, क्योंकि शाम हो गया दोस्तों, मेरा डूब गया है और इधर में भात बनाएंगे। तो चलिए आप सभी को टेस्ट करके थोड़ा सा बताते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त लगा, एकदम वेरी वेरी नाइस, एकदम मस्त बना हुआ है सब्जी दोस्तों, इतना टेस्टी बना हुआ कि क्या कहें। तो आप सभी इस तरह से बना के खा सकते हैं घर में। और इधर देखिए निशु बाजार से आ गई है, बाजार गई थी, और इधर देखिए मुन्नी कैसे ओढ़नी चुनी लेके दौड़ रही है। कहते हैं कि आप सभी को पपीता की रेसिपी, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, खुश रहे, खुशियाँ बांटे।